नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 12 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 6 जिलों में अक्टूबर से नए बंदोबस्त धारी करेंगे बालू का खनन। आज से खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज। आज से फिर शुरू होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार। बिहार में राजस्व कर्मियों की मनमानी होगी खत्म। चिराग पासवान अब डबल बेंच से करेंगे अपील। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के लिए आवेदक की बढ़ी तारीख। भारतीय डाक विभाग के बिहार पोस्टल सर्किल में निकाली गई 1940 ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ा दी गई है, जिसके तहत अब यह तारीख 14 जुलाई तय की गई है। इससे पहले यह तारीख 30 जून थी, जिसके तहत अब आवेदन के लिए उम्मीदवारों को भारतीय डाक विभाग के GDS भर्ती पोर्टल appost.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और स्टेप में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के 3 चरण है। पहले चरण में उम्मीदवारों की मांगे गए विवरणों को भरकर सबमिट करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आवंटित रजिस्ट्रेशन नंबर को भरते हुए एप्लीकेशन फीस ₹100 का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। बिहार के 6 जिलों में अक्टूबर से नए बंदोबस्तधारी करेंगे बालू का खनन। बालू के खनन को लेकर नए बंदोबस्तधारी का चयन किया जाना है, जिसके बाद इसी साल अक्टूबर महीने में चयनित बंदोबस्तधारी बालू का खनन करेंगे। सरकार की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार फिलहाल ऐसे 6 जिले हैं जहां पर बालू घाटों के लिए टेंडर के माध्यम से बंदोबस्तधारियों का चुनाव किया जाएगा, जिसमें पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास और गया का नाम शामिल है। गया जिले के अलावा अन्य जिलों के बालू घाट के बंदोबस्तधारियों ने 1 मई 2021 से बालू का वैध खनन बंद कर रखा है। सूत्रों की माने तो राज्य के घाट की पर्यावरणीय स्वीकृति लेने की प्रक्रिया लंबी है, इसमें 6 से 10 महीने तक का समय लगता है। ऐसे हालात में इन 6 जिलों के नदी घाटों की पर्यावरणीय स्वीकृति पहले ही मिल गई थी। आज से खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज। बिहार में आज से स्कूल कॉलेज में फिर से बच्चों की गूंज सुनाई देगी। हालांकि फिलहाल बड़े बच्चे के क्लासेस ही खोले जा रहे हैं, जिसके तहत स्कूल में 11वीं 12वीं के छात्र आएंगे और कॉलेज में 50% अटेंडेंस के साथ छात्रों को बुलाया जाएगा। हालांकि छात्रों से COVID-19 के नियमों का पालन करने की अपील की गई है, जिसके तहत आधे छात्र के लिए स्कूल एक दिन और बाकी आधे छात्रों के लिए दूसरे दिन स्कूल खोला जाएगा। इसके तहत ही स्कूल कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सकेगा। इसको लेकर बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार ने हाल ही घोषणा की थी कि शैक्षणिक संस्थान को 12 जुलाई से फिर से खोला जाएगा। बिहार में COVID-19 के मिले 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 136 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 844 पर पहुंच गई। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 4, अरवल में 2, औरंगाबाद में 2, बेगूसराय में 11, भागलपुर में 1, भोजपुर में 5, बक्सर में 1, दरभंगा में 4, ईस्ट चंपारण में 5, गया में 3, गोपालगंज में 1, जमुई में 4, कैमूर में 2, कटिहार में 2, खगड़िया में 3, किशनगंज में 5, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 4, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 11, नालंदा में 2, नवादा में 4, पटना में 11, पूर्णिया में 3, रोहतास में 3, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 7, सारण में 11, सिवान में 5, सुपौल में 6, वैशाली में 2, वेस्ट चंपारण में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 4 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,24,068 सैंपल की जांच की गई। वहीं 157 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम का हाल। अगर हम जिलावार मौसम का हाल जाने तो वेस्ट चंपारण, सिवान, सारण, ईस्ट चंपारण और गोपालगंज में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया में भी अधिकांश हिस्सों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। वहीं नालंदा, पटना, गया, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय और नवादा में भी कुछ जगहों पर बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। वहीं बिहार के कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और जमुई में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में स्थित विश्व प्रसिद्ध बौद्ध सूप पर मंडराया खतरा। पटना से 120 किलोमीटर दूरी पूर्वी चंपारण के केसरिया में स्थित विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप वैसे तो राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है, लेकिन इसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार नेपाल और गंडक नदी के आसपास वाले इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश हुई है, जिससे नदियों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। साथ ही आसपास के गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं बारिश के कारण बौद्ध स्तूप के पूरे प्रांगण में बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया है, जिससे पहले ही से कमजोर स्तूप के गिरने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। मोतिहारी के जिलाधिकारी कपिल
कर्नल अशोक ने इस बाबत बताया है कि पिछले साल भी स्तूप के चारों तरफ पानी भर गया था। भारत सरकार को स्थिति के बारे में अवगत करा दिया गया था। इस साल भी केंद्र को इस बारे में सूचना दे दी गई है। स्तूप परिसर में बाढ़ का पानी जमा होना चिंता का विषय है। आज से फिर शुरू होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार। सालों बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से लोगों की फरियाद सुनने वाले हैं। हालांकि इस बार का जनता दरबार कई मायनों में खास माना जा रहा है। सबसे पहले तो इसका आयोजन मुख्यमंत्री सचिवालय के पास बने बड़े हॉल में लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, कोविड-19 के माहौल में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है, जिसको लेकर रविवार को ही आला अधिकारियों की राजकीय अतिथिशाला में बैठक का आयोजन भी करवाया गया था। साथ ही नीतियां भी बनाई गई थी कि किस तरीके से जनता दरबार को सुरक्षित और कोविड प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। इसको लेकर पटना जिलाधिकारी, पटना SSP समेत कई अधिकारी यहां आए हैं और पूरी व्यवस्था का जायजा भी लिया है। उसके बाद आज से शुरू होने वाले जनता दरबार में हिस्सा लेने वाले लोगों को RT-PCR की जांच करवानी होगी। कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में हिस्सा ले सकेंगे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रमेश चंद्र झा की। रमेश चंद्र झा का जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में 8 मई 1928 को हुआ था। रमेश चंद्र झा भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बाद में साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। वो बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ हिंदी के कवि, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। बिहार राज्य के चंपारण जिले का फुलबरिया गाँव उनकी जन्मस्थली है। उनकी कविताएं, कहानियों और गजलों में जहाँ एक तरफ देशभक्ति और राष्ट्रीयता का स्वर है, वहीं दूसरी तरफ मानव मूल्यों और जीवन के संघर्ष की अभिव्यक्ति भी है। आम लोगों के जीवन का संघर्ष, उनके सपने और उनकी उम्मीद रमेश चंद्र झा कविताओं का मुख्य स्वर है। खाद की कीमत से एक भी रुपया अधिक लेने पर होगी कार्रवाई। कृषि निदेशक आदेश तितरमारे ने खाद संबंधी किसी भी शिकायत को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति बनाई है, जिसके तहत बिहार के कृषि समन्वयक खाद की कीमत पर अब नजर रखने वाले हैं। उन्हें अपनी पंचायत के किसानों से बात करके यह जानकारी लेनी होगी कि कोई डीलर खाद की अधिक कीमत तो नहीं ले रहा है। अगर कोई गड़बड़ी मिली तो खाद कंपनियों को भी इसके लिए जिम्मेवार माना जाएगा। इतना ही नहीं, अधिकारी तो निगरानी अब करेंगे ही और एक रुपया अधिक लेने की शिकायत पर 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज भी की जाएगी। कंपनियों को भी कई तरह की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए सभी कंपनियों के राज्य प्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि वो अपने एक अधिकारी के खाद की कीमत पर नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी बनाए। विभाग ने अपनी नीति में डीलर द्वारा खरीदार को रसीद नहीं देने, स्टॉक की सही जानकारी और कीमत प्रदर्शित नहीं करने, बिना लाइसेंस खाद की बिक्री करने या फिर यूरिया के साथ दूसरे खाद को टैग कर बेचना आदि अनियमितताओं के लिए कंपनियों को जिम्मेदार माना है। वैक्सीन बर्बादी में बिहार देश में दूसरे स्थान पर। जहां एक तरफ 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य बिहार सरकार ने तय किया है, वहीं दूसरी तरफ से बिहार में वैक्सीन की बर्बादी एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आई है। 6 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश भर के राज्यों की समीक्षा के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण बिहार में बड़ी संख्या में वैक्सीन बर्बाद हुई है, जिसमें पूरे देश में किए गए सर्वे में बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार में 1 मई से 19 जून तक, यानी सिर्फ 50 दिन में वैक्सीन की 2,66,438 डोज स्वास्थ्य विभाग ने बर्बाद कर दी है। वहीं बिहार की बात करें तो वैक्सीन बर्बादी में मुजफ्फरपुर जिला अव्वल है। कोविशील्ड वैक्सीन बर्बाद करने में मुजफ्फरपुर पहले स्थान पर है, वहीं कोवैक्सीन बर्बाद करने में पटना पहले पायदान पर है। बिहार के गांव सोलर लाइट से होंगे जगमग। बिहार के गांव को सोलर लाइट से जगमगाने की नीतीश सरकार तैयारी कर रही है। हालांकि इसके लिए सभी को पंचायत चुनाव के खत्म होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव समाप्त होते ही गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना बनाई गई है। इस योजना पर अमल करने के लिए एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसके तहत पहले चरण में सोलर लाइट उत्पादक कंपनियों का चयन किया गया है और अब एजेंसियों का चयन किया जा रहा है जो गांव में जाकर यह लाइट लगाएंगे। आपको बता दें, एजेंसियों का चयन बिहार सरकार बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से कर रही है। पटना मेट्रो में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए पटना मेट्रो ने अपनी तरफ से DMRC ने अहम जानकारी साझा की है। दरअसल पटना मेट्रो में नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं को ठगने वाला गिरोह काफी ज्यादा सक्रिय हो गया है। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक यह गिरोह निर्माणाधीन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर न केवल फर्जी विज्ञापन निकालकर लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था, बल्कि उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे रहा था। इस बाबत हाल ही में 3 युवाओं को ऐसा ही फर्जी नियुक्ति पत्र देने का मामला दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सामने आया है। इन युवाओं के नाम कृतेश किशोर, यासिर इमाम और रोशन कुमार है। मामला सामने आने के बाद ही DMRC ने पटना के श्रीकृष्णपुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। बिहार के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। स्मार्ट मीटर अब लोगों का सिरदर्द नहीं बनने वाली है, क्योंकि उपभोक्ता मीटर को रिचार्ज करेंगे और तुरंत बिजली बहाल कर दी जाएगी। यानी कि अब रिचार्ज के बाद उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद कई इलाकों में ऐसी शिकायतें सामने आ रही थी कि मीटर रिचार्ज के बाद बिजली के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। ऐसी परेशानी और शिकायतों को देखते हुए बिजली कंपनी ने इसमें बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है, जिसके तहत कंपनी ने हाईटेक स्मार्ट मीटर को बदलने का निर्णय लिया है। वहीं स्मार्ट मीटर अब 4G का होगा, जिसका नेटवर्क हाई स्पीड का होगा, जिसमें 4G का सिम इस्तेमाल होगा। अब तक जो मीटर लग रहे थे उसमें 3G के सिम का इस्तेमाल किया जा रहा था। बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियां हुई शुरू। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां रफ्तार पकड़ने लगी है। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार नई नई अपडेट भी सामने आ रही है। इसी बीच पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसके तहत पंचायत चुनाव के दौरान एक बूथ पर 850 अधिकतम मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर एक बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी है। आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सभी जिलों में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। नगर निकाय में पंचायत के शामिल होने के बाद नए सिरे से जिलों में पंचायत निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र का पुनर्गठन किया जा रहा है। कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए प्रत्येक बूथ पर 50 से 20 व्यक्ति को एक बार में मतदान के लिए लगाए गए पंक्ति में खड़े होने का मौका दिया जाएगा। बिहार में राजस्व कर्मियों की मनमानी होगी खत्म। अंचल में एक ही छत के नीचे मामूली शुल्क लेकर 28 तरह की जमीन राजस्व के नक्शा आदि दस्तावेज उपलब्ध करवाने को आधुनिक अभिलेखागार सह डेटा केंद्र योजना का पहला चरण शुरू होने जा रहा है, जो कि 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार राजस्व कर्मियों की मनमानी को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिसके तहत इस चरण में 15 जिलों में 75 अंचल में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम काम करने लगेंगे। जानकारों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, नवादा, खगड़िया की 4-4 अंचल, बक्सर, मुंगेर में 3, बांका में 7, कैमूर में 7, औरंगाबाद में 5, गया में 6, कटिहार में 8, सुपौल में 7 और सहरसा के 2 अंचल के मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का संचालन 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा। जल्दी शुरू होगा मुंगेर का रेल सह सड़क पुल। मुंगेर के रेल सह सड़क पुल का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस पुल पर आवागमन जल्दी शुरू हो सकती है। इस पुल के बन जाने से खगड़िया बेगूसराय की दूरी मुंगेर से होते हुए 40 किलोमीटर की ही रह जाएगी। मुंगेर से खगड़िया और बेगूसराय का सफर कुछ मिनटों में तय हो सकेगा। फिलहाल मुंगेर वासियों को सड़क मार्ग से 160 से 170 किलोमीटर की दूरी तय कर खगड़िया और बेगूसराय जाना पड़ता है। हालांकि इसके बन जाने के बाद यह दूरी कम हो जाएगी। चिराग पासवान अब डबल बेंच से करेंगे अपील। दिल्ली हाईकोर्ट से मिले झटके के बाद अब चिराग पासवान डबल बेंच से अपील करने वाले हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि चिराग पासवान इतनी आसानी से हार मानने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उन्होंने पार्टी से अलग हुए गुट को लोकसभा में बतौर लोजपा तथा उसके नेता को सदन में लोजपा के नेता के रूप में मान्यता देने को चुनौती दी थी। उस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद से ही अब चिराग पासवान दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच से अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान की तरफ से दलील दी गई थी कि पशुपति कुमार पारस सहित 5 सांसदों को लोजपा निष्कासित कर चुकी है, ऐसे में उन्हें पार्टी की तरफ से लोकसभा का नेता नहीं बनाया जा सकता है। जीतन राम मांझी ने देश की प्रगति को लेकर जताई अपनी इच्छा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव से मुलाकात करके पटना लौटे हैं। मुलाकात के बाद बिहार लौटे जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर देश के लिए कॉमन एजुकेशन सिस्टम को बेहद ही जरूरी बताया है। इसके साथ ही कहा है कि मैं कॉमन सिविल कोड का पक्षधर जरूर हूं, पर उससे ज्यादा जरूरी फिलहाल देश में कॉमन एजुकेशन सिस्टम को लागू करना है। बढ़ती आबादी का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा और गरीबी है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि देश में कॉमन स्कूलिंग सिस्टम को लागू किया जाए, जिससे कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने फिर साझा किया भावुक संदेश। 32 साल पुराने मामले को लेकर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव बीते 60 दिनों से हिरासत में बंद है। इसके बाद समय समय पर पप्पू यादव की तरफ से भावुक संदेश भी जारी किया जाता रहा है। इसी क्रम में बीते दिन एक बार फिर से पप्पू यादव ने भावुक होकर अपना ट्वीट जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनूठी मांग करते हुए बिहार के पुलिस राज पर सीधा हमला किया है। साथ ही कोविड-19 और बाढ़ पीड़ित के प्रति संवेदना भी जताई है। जारी किए गए ट्वीट में उन्होंने कहा कि 60 दिन से कैद हूं मैं, कसूर पता नहीं। 60 दिन लाखों बाढ़ पीड़ित तथा कोरोना पीड़ित की सेवा कर पाता। नीतीश जी, बेल मिलने में देर है, आप बाढ़ पीड़ित की सेवा के लिए पैरोल पर रिहा कर दे, आपदा के बाद फिर जेल में डाल दीजिएगा। अपने बिहार के लोगों के लिए हर जुल्म सहने को तैयार हो।
राजद ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उठाया सवाल। राष्ट्रीय जनता दल आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कोई न कोई तंज जरूर कसती रहती है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिहार में कानून का नहीं पुलिस का राज्य से सख्त टिप्पणी करने के बाद नीतीश कुमार की कुर्सी पर ही सवाल उठा दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि बिहार में कानून का राज नहीं है, अर्थात राज्य सरकार अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तरीके से नहीं कर पा रही है, ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को स्वयं पहल करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि वो खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो राज्यपाल को अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए। ₹1000 से भी कम एक दिन के खर्च में कर सकेंगे दक्षिण भारत के मंदिरों की सैर। अगर आप भी दक्षिण भारत में स्थित मंदिरों की सैर करना चाहते हैं तो आपके लिए यह खबर कुछ खास है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड अब क्षेत्रीय लोगों को दक्षिण भारत के साथ वाराणसी का दर्शन 10 अक्टूबर 2021 से शुरू करवाने वाला है। इसके लिए IRCTC आस्था सर्किट स्पेशल पर्यटन ट्रेन का परिचालन हो रहा है, जिसका ठहराव स्थानीय स्टेशन पर किया जाएगा। इसकी जानकारी IRCTC पटना के रीजनल मैनेजर राजेश कुमार ने उत्तर प्रदेश के दिलदार नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर निर्मित फूड ट्रक के उद्घाटन के मौके पर की। रीजनल मैनेजर की माने तो पर्यटन ट्रेन पहली बार DDU पटना रेल खंड पर दक्षिण भारत सहित वाराणसी दर्शन के लिए चलाई जा रही है। साथ ही अगर बक्सर के लोग 10 की संख्या में इस ट्रेन से यात्रा करते हैं तो प्रति व्यक्ति ₹500 अतिरिक्त छूट मिलेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। शिवाजी ने 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मित्रता के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। भारत में निर्मित पहला वाष्प जहाज डायना का 1823 में कोलकाता में अनावरण किया गया। महात्मा गांधी की जान लेने के बाद RSS पर लगाए गए प्रतिबंध को सशर्त 1949 में आज के दिन से हटाया गया था। भागलपुर और रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना 1960 में आज के दिन से हुई थी। भारत और बांग्लादेश अगरतला और ढाका के बीच मैत्री बस सेवा 2001 में आज के दिन शुरू हुई थी। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक दुर्गा प्रसाद खत्री का जन्म 1895 में आज के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों के निर्देशक विमल रॉय का जन्म 1909 में आज के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार का निधन 1999 में आज के दिन हुआ था। श्रीलंका के सभी खिलाड़ियों का COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट आया नेगेटिव। भारत और श्रीलंका के बीच इसी महीने मैच का आयोजन करवाया जाना था। हालांकि श्रीलंकाई टीम में कई लोगों के COVID-19 पॉजिटिव आने के बाद 13 जुलाई से शुरू हो रही इस श्रृंखला को 5 दिन बाद यानी कि 18 जुलाई से आयोजित करवाया जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि हाल ही में सीनियर खिलाड़ी कुसाल परेरा, दुष्मंत चमीरा और धनंजय डिसिल्वा सहित श्रीलंका की टीम में शामिल सभी खिलाड़ी भारत के खिलाफ सीमित ओवर की श्रृंखला से पहले नवीनतम RT-PCR परीक्षण में नेगेटिव पाए गए हैं। आपको बता दें यह परीक्षण श्रीलंका क्रिकेट ने करवाए थे। अब उम्मीद है कि इन खिलाड़ियों को सोमवार को जैविक रूप से सुरक्षित माहौल यानी कि बायो बबल में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन से आने के बाद एक हफ्ते का कड़ा क्वारंटीन पीरियड पूरा कर लिया है। गूगल पे से एक दिन में इतने पैसे कर सकते हैं ट्रांसफर। COVID-19 के माहौल में ऑनलाइन पेमेंट एक बहुत बड़ा विकल्प आम जनता के सामने निकल कर आया है, जिसके माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आसानी से पेमेंट किया जा सकता है। हालांकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप गूगल पे के माध्यम से कितने पैसों का ट्रांसफर एक दिन में कर सकते हैं। आपको बता दें सभी UPI एप्लीकेशन के जरिए आप 1,00,000 तक पैसे भेज सकते हैं। इससे ज्यादा पैसे भेजने के लिए आपको अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है। इसके साथ ही सभी UPI एप्लीकेशन से आप 10 बार से ज्यादा पैसे भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि अगर ₹1 से कम अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो नहीं हो पाएगा और बार बार आपको एरर का मैसेज भी दिखाई देगा। अगस्त में शुरू होंगे 9 जन सुविधा केंद्र। राजधानी पटना में अगस्त के पहले हफ्ते में 9 जन सुविधा केंद्र की शुरुआत करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसको लेकर पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। इतना ही नहीं, इस बाबत एक निजी एजेंसी का चयन भी कर लिया गया है, जिसके बाद पहले चरण में 9 वार्ड में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ होगा। दूसरे चरण में 18 जन सुविधा केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके बन जाने से आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, होल्डिंग टैक्स, कचरा शुल्क, ट्रेड लाइसेंस शुल्क का भुगतान, सरकारी स्कूल और कॉलेज की फीस, पैन कार्ड, बिजली बिल, राशन, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, टैक्स भुगतान, म्यूटेशन शुल्क, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पोस्ट ऑफिस और जिला प्रशासन की सुविधा मिलेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अनिशा गुड़िया, सोनू कुमार, नीतीश कुमार, लाला कुमार, जयप्रकाश यादव, विवेक कुमार, मुकेश कुमार यादव, राजीव रंजन, सत्यप्रकाश कुमार, निकिता कुमारी, सविता रॉय, प्रीति यदुवंशी, सिंधु कुमारी, सरोज कुमार, मोहित कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार की तरफ से आज से स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।